मेरे साथ विपिन yes. विपिन आ गए हैं विपिन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं विपिन ये क्या है जरा बताएंगे घोषणा समझाइए जरा कैसे फायदा हो रहा है देखिए इसके अंदर दो लेवल पे फायदा हो रहा है पहला तो जो जो बेनिफिट है वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम में है ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई बेनिफिट नहीं है और सबसे पहला बेनिफिट है उसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन का कि जो पहले फिफ्टी थाउजेंड हुआ करती थी वो वह बढ़ा के सेवेंटी फाइव थाउजेंड कर दी गई है दिस इज ओनली इन न्यू टैक्स रिजिम और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी है कि जो पहले उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन फिफ्टीन थाउजेंड थी उसको इंक्रीज़ करके ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दिया गया है सेकेंड जो एक बेनिफिट आया है वो जो टैक्स है टैक्स स्लैब है उसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया गया है पहले होता था कि तीन लाख तक कोई टैक्स नहीं था तीन से छः लाख तक पाँच था छः से नौ लाख तक दस था नौ से बारह पंद्रह था बारह से पंद्रह बीस था और पंद्रह के ऊपर तीस था उसको अब थोड़ा बेटर कर दिया गया है क्योंकि पहले भी सात लाख तक तो टैक्स तो लग ही नहीं रहा था तो अब तीन लाख तक तो नील है और तीन से सात पांच है सात से दस दस परसेंट है दस से बारह पंद्रह परसेंट है और बारह से पंद्रह बीस और पंद्रह से ऊपर तीस परसेंट है मतलब बारह से ऊपर वालों के लिए तो सेम है सिर्फ बेनिफिट आ रहा है जो लोग क्या कहते हैं तीन से बारह लाख के बीच में थे उन लोगों के नई टैक्स नई टैक्स कितना फायदा आ रहा है ये फायदा अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन मैम ने साढ़े सत्रह हजार सत्रह हजार रुपए का बेनिफिट है यस अच्छा तो इसमें ढाई uh, लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं देना पड़ता है ओल्ड टैक्स में लाख तो. और ढाई से पांच लाख तक okay. पांच परसेंट है पांच परसेंट से दस लाख तक बीस परसेंट है yes. और दस लाख से ऊपर तीस परसेंट रिजिम, ये रिजिम है। जो भी जिसमें बताया जाता है, है करीब एक तिहाई लोग अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत है ये मैडम ने एक बात और कही कि जो फिजिकल करंट फिजिकल ईयर की हम बात कर रहे हैं 23-24 की

तीन से सात लाख तक पाँच परसेंट है अगर किसी की इनकम सिर्फ सात लाख तक है तो उसको आज भी टैक्स नहीं देना वो पहले भी नहीं देना था सात से दस लाख तक का जो टैक्स है वो टेन परसेंट है दस से बारह पंद्रह परसेंट है बारह से पंद्रह बीस परसेंट है पहले भी सेम रेट था बारह लाख के ऊपर और 15 से ऊपर तीस परसेंट है ओके okay. तो यानी सात लाख तक अभी भी कोई टैक्स नहीं देना अभी भी कोई टैक्स नहीं उसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का पचहत्तर हजार जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए तो करीब पौने आठ लाख रुपए तक की इनकम पर नए टैक्स रिजीम में आपको कोई टैक्स कोई नहीं देना ओके पौने आठ लाख रुपए तक की सालाना इनकम अगर आप नए टैक्स रिजीम में जाते हैं आपको कोई टैक्स नहीं देना करीब साढ़े हजार रुपए का फायदा यानी मिडिल क्लास के लिए इसे एक फायदा मिडिल क्लास ही हुआ ना बिल्कुल मिडिल क्लास ही हुआ सात आठ लाख रुपए अगर सालाना आप कमाते हैं तो आप जाहिर है मिडिल क्लास में होंगे तो आपको फ़ायदा करीब साढ़े सत्रह हज़ार रुपए का है ओल्ड टैक्स रिजिम मैंने आपको बताया उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसमें कोई बदलाव नहीं है उसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं हुई है एज इट इज है जबकि हाँ। हम लोग अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग शायद ये जनरल सभी लोग चाह रहे थे कि जो एटीसी की लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी थोड़ी सी इसमें आप छूट लेते हैं, में हम लोग में छूट लेते लेते हैं हैं हम लोग ब्रॉडली आती है या फिर प्रीमियम की बात करते हैं जो हम लोग मेडिक्लेम प्रीमियम की बात करते हैं एटी डी के अंदर उसमें कुछ थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन बट वो कुछ किया नहीं गया उसके अंदर वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ओके तो आपको पता ही होगा अगर आप इनकम टैक्स देते हैं और खासतौर से सैलरीड है तो आपके लिए दो तरह के रिजीम है इनकम टैक्स देने के लिए सरकार कह रही है हम सरलीकरण के लिए नया टैक्स रिजीम लाए हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें आना चाहिए तो नए टैक्स रिजीम में और लोगों को लाने के लिए सरकार ने नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स में और छूट दी है अब आपको पौने आठ लाख रुपए सालाना तक कोई टैक्स नहीं देना होगा और जो पहले स्लैब्स थे नए टैक्स रिजीम के उनको थोड़ा सा रैशनलाइज भी किया है विपिन एक बार फिर से जरा बता देते हैं हमारे जो नए टैक्स रिजीम के अंदर इनकम टैक्स के स्लैब्स में बदलाव हुआ है वो क्या है तीन लाख तक लेकिन जिसकी इनकम सात लाख है अदरवाइज इनकम सात लाख तक है उसको कोई टैक्स आज भी नहीं देना पहले भी नहीं देना था ठीक है उसके बाद एक और थर्ड स्लैब आता है सात लाख से दस लाख दस लाख तक का उसके ऊपर दस टैक्स है और फिर से दस लाख तक दस परसेंट टैक्स देना दस से बारह पे पंद्रह है बेसिकली ये दो चेंजेस कहूंगा मैं ये दो चेंजेस हुए हैं क्योंकि पहले नौ से बारह था inherently. अब वो सात से दस और दस से बारह हो गया uh. अब तुर तुर तो पहले भी बारह से पंद्रह था और पंद्रह से ऊपर तीस था तो वो दोनों में कोई चेंजेस नहीं हुए इंटेक्ट मेन जो चेंजेस है वो सिक्स टू नाइन टू ट्वेल्व की जगह okay. और जो पंद्रह लाख से ऊपर है सालाना जिसका पंद्रह लाख से ऊपर है, उसका 30 है, 30 है एक बार फिर से जरा याद दिला दूं ओल्ड टैक्स रिजीम में दस लाख से ऊपर जिसकी सालाना इनकम है उसको तीस परसेंट टैक्स देना होता है यस yes, होगा yes, yes. अगर आप नए टैक्स रिजीम में आते हैं तो पंद्रह लाख के ऊपर आपको तीस परसेंट देना होगा जाहिर है yes. जाहि जैसा मैंने पहले बताया सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि नए टैक्स रिजीम में लोगों को हम लाना चाहते हैं ये सरल है इसमें फायदा ज्यादा है इसमें आइए दो तिहाई लोग सरकार के मुताबिक नए टैक्स रिजीम में आ चुके हैं अभी भी एक तिहाई पुराने टैक्स रिजीम में है नए स्ट्रक्चर के मुताबिक अब आपको तीन लाख तक कोई टैक्स नहीं देना तीन से सात लाख तक पांच परसेंट टैक्स है लेकिन वो भी आपको रिबेट में कवर हो जाता है यानी आपको सात लाख तक कोई टैक्स नहीं देना फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पचास हजार था वो पिचहत्तर हजार हो गया है यानी सात लाख पिचहत्तर हजार तक अगर आपकी सालाना इनकम है आपको कोई टैक्स नहीं देना है इससे पहले तीन लाख तक विपिन कोई टैक्स नहीं था हाँ, पहले फिर जो अगला स्लैब था वो तीन से छह था जिसमें पांच परसेंट टैक्स था यस फिर अगला स्लैब छह से नौ का छह से नौ का था, था उसमें दस उस परसेंट टैक्स था यानी तीन से तीन से छ और छह से नौ ये जो दो स्लैब थे इनकम टैक्स में नए रिजीम में इनको बदलकर अब तीन से सात और सात से दस।, दस कर दिया गया दो स्लैब्स बदले गए हैं ये बदलाव किया गया है तीन से सात और सात से दस तीसरा भी है जो पहले नौ से बारह था अब वो दस से बारह हो गया ओके जो नौ से बारह लाख का एक स्लैब था पंद्रह दस से अब प्लस टेन कर दिया गया हाँ, दस से बारह दस से बारह हो गया ऑल राइट right. तो आप समझ रहे हैं कि आपको नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स में फायदा ज्यादा है पर अभी भी लोग कुछ लोग एक तिहाई लोग पुराने टैक्स रिजीम में क्यों है, है? देखिए पुराने टैक्स रिजीम में होने का एक रीजन ये भी है कि वहां पे आपको हाउसिंग लोन का जो लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आज भी उसकी डिडक्शन मिल रही है एट्टी सी के अंदर डेफिनेटली अगर मैं हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रिपे कर रहा हूँ तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड वो आता है मेरे पास तो थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड ये हो गया प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मेरे पास मेडिक्लेम अपने आता है और अगर मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो फिफ्टी थाउजेंड उनका आता है तो सेवनी फाइव थाउजेंड ही आ गया उसके अलावा अगर मैंने एजुकेशन लोन ले रखा है तो उसका भी मेरे को बेनिफिट मिलता है तो अगर मैं वो देखूँ तो वो मेरे को समवे पाँच से छः लाख रुपये का बेनिफिट मिलता है अगर कुछ लोगों को वो ऑप्ट करके देखते हैं उसको लगता है पाँच छह लाख का डिडक्शन के बाद अगर मुझे ये कम पड़ेगा तो मैं यही लूंगा

हिचक रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है तो लोन कैसे जाएगा ओके okay. मैं मैं ये पढ़ रहा हूं विपिन जरा आप भी चेक करिएगा से पंद्रह लाख रुपए तक का बीस परसेंट का एक स्लैब है हाँ, बारा से का 20 है। बारा से का का है लाख सालाना इनकम का बीस परसेंट टैक्स का स्लैब है और पंद्रह लाख से ऊपर जो है उनको तीस परसेंट स्लैब है यस। यही है ना नया यही, स्लैब यही। तो इसमें कोई बदलाव है क्या अच्छा बारह से ऊपर कोई बदलाव नहीं बदलाव नहीं ओके तो सालाना बारह लाख की इनकम से और ऊपर अगर जाएंगे उनके स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं है नए टैक्स रिजीम में अगर आप सालाना 12 लाख से 15 लाख कमाते हैं आपको 20 परसेंट टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 15 लाख से ज्यादा कमाते हैं सालाना तो आपको 30 परसेंट टैक्स देना पड़ेगा लेकिन तीन से सात लाख तक पांच परसेंट टैक्स जो रिबेट में कवर हो जाएगा आपको कुछ नहीं देना फिर उसके बाद सात से दस लाख तक का एक स्लैब है जिसमें दस टैक्स है और दस से बारह लाख का एक स्लैब है सालाना इनकम का जिसमें पंद्रह परसेंट और स्टैंडर्ड डिडक्शन पचास हजार से बढ़ाकर पिचहत्तर हजार कर दिया गया है तो आपको सात लाख पिचहत्तर हजार रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, नहीं देना है पर हां पुराने वाले रिजीम में अभी भी कोई फायदा नहीं दिया नहीं गया है क्योंकि तो सरकार वैंगे। यही चाहती है कि सब पुराना रिजीम छोड़कर नए रिजीम में आ जाए इसके अलावा और भी कुछ खुश -कु� खबरियां भी हैं कैंसर की दवा सस्ती हुई है सोना चांदी सस्ता होगा प्लेटिनम सस्ता होगा मोबाइल फोन सस्ते हुए हैं मोबाइल चार्जर सस्ते हैं बिजली के तार सस्ते हुए हैं एक्सरे मशीन सोलर सेट्स लेदर और सी फूड्स ये सारे आइटम्स हैं जो सस्ते हुए हैं कुछ एक चीजें जाहिर है महंगी भी होंगी वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं